Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, in this video today we are going to do a quiz of chapter The Story of the Road. It's an English chapter of class 3rd. इससे पहले मैं आपको ये chapter पढ़ा चुकी हूँ. हमने chapter समझ लिया था और NCERT के question answers भी कर लिए थे, तो hopefully chapter आप सभी को समझ में आ गया होगा. Now let's take a test. आपका एक टेस्ट हो जाए जल्दी से. क्विज होगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे ऑप्शनल आपके, आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है. बिफोर दैट, कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आपकी नेक्स्ट टाइम आती है तो मिस ना हो. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल द इवेंट्स ऑफ दिस स्टोरी हैपन इन द डैश. इस कहानी के जितने भी इवेंट्स हैं, हमने देखा कौवा बोल रहा है, स्पैरो चर्प कर रही है, न्यूज़पेपर बॉय आ रहा है, वेजिटेबल मैन आ रहा है, तो ये जो बच्चे स्कूल जा रहे थे, चार्टर, ट्रैम्प एंड ऑल, ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ये कब होती हैं? आपके ऑप्शन हैं इन द इवनिंग, बी आफ्टरनून या फिर सी मॉर्निंग. काफ़ी ईजी क्वेश्चन ही है ये, तो जो भी आपको लगता है आंसर है ए बी सी, शाम को होते हैं, आफ्टरनून दोपहर बाद सारे इवेंट्स होते हैं, फिर मॉर्निंग में. आप लिख लीजिए अपने आंसर्स कहीं पर भी या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आंसर वन ए बी और सी, एंड देन वीडियो के एंड में मैं आपको सारे आंसर्स बता दूंगी जिससे क्रॉस चेक हो जाएगा कि आपकी कितने आंसर्स करेक्ट हैं. ओके, आगे आते हैं. देखिए, अ हिंट दिया हुआ है आपको हर पिक्चर के बाद, यहाँ पर हर क्वेश्चन के बाद. क्वेश्चन था आपका कि किस उसमें सारे इवेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर ये आपको पिक्चर दी हुई है, आप देख लीजिए कि ये क्या हो रहा है अभी, कौन से उसकी बात हो रही है टाइम की. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साउंड ऑफ बर्ड्स. चिड़िया की जो साउंड होती है वो कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ए ट्रिंगलिंग, बी चॉप, सी चैटर चैटर. तीनों ही साउंड है, एक इसमें न्यूज़पेपर बॉय आता है तब होती है, एक इसमें बच्चे आते हैं तब होती है, और एक बर्ड्स की साउंड है. तो आपको बर्ड की साउंड पहचानी है, वैसे आपको पता भी होना चाहिए बर्ड की साउंड को हम वही बोलते हैं जो इसका आंसर है. ओके, ईजी क्वेश्चन. नेक्स्ट इज, विच वेजिटेबल्स द वेजिटेबल मैन वॉज सेलिंग. वेजिटेबल मैन कौन सी सब्जियाँ बेच रहा था? आपके ऑप्शन हैं ए रेडिशेस, बी कैरेट्स, सी पोटैटोज या फिर डी ऑल ऑफ द अबव. सभी रेडिश मूली वो बेच रहा था, कैरेट्स गाजर या फिर पोटैटोज आलू या फिर सभी चीज़ें. ओके, ये देखिए ये सारी सब्जियाँ वो बेच रहा था, इसके कार्ट पर आपको दिख रही होगी. नेक्स्ट इज, हु केम आफ्टर द साउंड ट्रिंगलिंग. ट्रिंगलिंग की साउंड जब होती है उसके बाद कौन आता है? आपके ऑप्शन हैं ए न्यूज़पेपर बॉय, बी वेजिटेबल मैन, सी मिल्क मैन. अगर देखा जाए तो तीनों ही आपके वेजिटेबल मैन भी की भी साउंड हो सकती है ये, और मिल्क मैन भी आपका साइकिल पर ही आता है, न्यूज़पेपर बॉय भी. लेकिन कहानी में जो है आपको वो बताना है कि ट्रिंगलिंग जब साउंड होती है तो उसके बाद कौन एंटर करता है ऑन द रोड, न्यूज़पेपर बॉय, वेजिटेबल मैन या फिर मिल्क मैन. ओके, आंसर आपने दे दिया होगा, हिंट मैं आपको दे देती हूँ और आंसर आपको वीडियो के एंड में ही बताऊंगी कि कौन से आंसर्स करेक्ट है, आप नोट करते रहिए. सो पिक्चर देख के आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं कि क्या आंसर है लास्ट क्वेश्चन का. नेक्स्ट इज, वेयर डज द चिल्ड्रन गोइंग. बच्चे कहाँ जा रहे थे? आपके ऑप्शन हैं ए पार्क में, बी स्कूल में या फिर सी शॉप पर. पार्क, स्कूल और शॉप, और ये आपका हिंट है. नेक्स्ट इज, टू होम द रोड सेट, कांट यू सी आई एम वाइड अवेक. एंड में जब रोड बहुत अनॉयड हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है, सल से सब उसको कॉन्स्टेंट बोले जा रहे हैं वेकअप वेकअप वेकअप, तो एंड में वो चिल्लाकर बोलती है कांट यू सी आई एम वाइड अवेक, तुम्हें दिखाई नहीं देता है मैं उठ चुकी हूँ. तो ऐसा वो किसको बोलती है? आपके ऑप्शन है ए चिल्ड्रन, बच्चों को, बी बर्ड्स, चिड़िया को या फिर सी वेजिटेबल मैन को. टू होम द रोड सेज सो, रोड ऐसा किसको बोलती है? चिल्ड्रन को, बर्ड्स को या फिर वेजिटेबल मैन को, और ये है आपका हिंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइटर ऑफ द स्टोरी ऑफ द रोड इज. ये जो आपका स्टोरी ऑफ द रोड है, इनके राइटर कौन है? आपको स्टोरी के एंड में नाम दिया हुआ है. आपके ऑप्शन हैं ए पोली सेन गुप्ता, बी मुंशी प्रेमचंद, सी जेम्स जॉयस. Who is the writer of the story of the road? पोली सेन गुप्ता, मुंशी प्रेमचंद या फिर जेम्स जॉयस. ओके, पिक्चर में आपको दिखा देती हूँ, राइटर का नाम आपको पता होगा. ये वो पर्सन है जिन्होंने आपकी जो द स्टोरी ऑफ द रोड है ये कहानी लिखी है. नाम
आपको पता होगा इनका, आपने पढ़ा होगा, चैप्टर के एंड में दिया हुआ है। नेक्स्ट इज यू शुड क्रॉस द रोड। अब रोड की बात हुई है तो थोड़ा जनरल क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। आपको रोड कब क्रॉस करनी चाहिए? व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज। आपको पता है तीन आपकी लाइट्स होती है, रेड, ग्रीन एंड येलो। रेड लाइट स्टॉप के लिए कहती है ट्रैफिक को, येलो लाइट कहती है टू गेट रेडी, एंड देन फिर आपकी ग्रीन लाइट होती है जो कहती है टू गो, जाने के लिए। अगर आपको रोड क्रॉस करनी है तो आप किस लाइट, ट्रैफिक लाइट के बाद रोड क्रॉस करेंगे? आपके ऑप्शन हैं रेड, ग्रीन एंड येलो। हिंट मैं आपको दे देती हूँ, आप डेफिनेटली तभी रोड क्रॉस करेंगे जब पूरा ट्रैफिक रुका हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है कि ट्रैफिक भी जा रहा है और आप जो सिग्नल है आपका वहाँ से रोड क्रॉस करनी कहाँ से चाहिए? ज़ीब्रा क्रॉसिंग से हमेशा, ओके। एंड ट्रैफिक लाइट आपको पता होगा जब ट्रैफिक रुकेगा तभी आप रोड क्रॉस कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइमिंग वर्ड्स। आपको तीन यहाँ पर वर्ड दिए हुए हैं, आप एक एक राइमिंग वर्ड मैं बताऊंगी आपका आपको और फिर एक आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको राइमिंग वर्ड आते हैं इनके तो आप अपने आप को 1 मार्क देंगे, अदरवाइज आप अपने आप को 0 मार्क देंगे इस क्वेश्चन में। सो फर्स्ट वन इज क्वाइट। क्वाइट का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है? क्वाइट, राइट, ओके। नेक्स्ट इज नाउ। नाउ का क्या हो सकता है? काउ। लास्ट इज गॉड। गॉड का क्या हो सकता है? रोड। रोड भी हो सकता है, रॉड भी हो सकता है, ROD, रॉड, जैसे आयरन लोहे की रॉड होती है। तो ये एक एक वर्ड मैंने आपको बता दिए राइमिंग जो होती है, क्वाइट, राइट, नाउ, काउ, गॉड, रॉड। एक आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में एक एक और इनका राइमिंग वर्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेटर इज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज साइलेंट। इसका आंसर भी मैं आपको अभी बताऊंगी। आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए मैं रीड कर देती हूँ। नॉलेज, वॉक, लिसन। नॉलेज मतलब होता है ज्ञान, कितनी नॉलेज है आपको, कितना आपको चीज़ों के बारे में पता है। वॉक, वॉक करना, चलना, एंड लिसन, सुनना। प्रोनाउंसिएशन मैंने बता दिया, आप बताइए कौन से लेटर साइलेंट है, बोलने में किस लेटर की साउंड नहीं आ रही है। नॉलेज, वॉक, लिसन, ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। अब मैं आपको आंसर बताती हूँ। देखिए नो लिज यानी कि डी की साउंड कहीं आती नहीं आई इसमें, नॉलेज तो मैंने नहीं बोला तो डी की साउंड नहीं है, दैट मीन्स डी इज साइलेंट। नेक्स्ट है वॉक, WAK, वॉक भी हो सकता था यानी कि एल साइलेंट है। नेक्स्ट इज लिसन, लिसन में आपका टी साइलेंट है, ओके। सो ये आपके कुछ राइमिंग वर्ड्स, सॉरी साइलेंट लेटर्स हैं इनमें। अगर आपने यही आंसर दिए थे तो आपके आंसर्स करेक्ट है, अदरवाइज आंसर्स आर रॉन्ग। नेक्स्ट इज चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। बहुत ईजी वर्ड ये दिया हुआ है, इसके तो स्पेलिंग सबको पता है। कुकुम्बर वर्ड है आपका CUCUIMBIR, CUCEMBEAR, कुकुम्बियर, या फिर CUCUMBER। कौन सी स्पेलिंग सही है कुकुम्बर की? जो भी आंसर है नोट कर लीजिए, आंसर आपको लास्ट में पता लग ही जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड मैं आपको अभी बता दूंगी। हैवी का ऑपोजिट बताइए, सॉफ्ट का ऑपोजिट बताइए, एंड फुलिश का ऑपोजिट बताइए, ओके। हैवी मतलब होता है बहुत भारी, इसका ऑपोजिट वर्ड होगा लाइट, हल्का, ओके। हैवी वेट, लाइट वेट सुना होगा आपने। सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब होता है बहुत ही मुलायम, इसका होगा हार्ड, बहुत कड़ा जो होता है। नेक्स्ट इज फुलिश, बेवकूफ़, इस जैसे कि उसने कहा था आपकी रोड ने, यू फुलिश बर्ड, है ना। तो फुलिश का ऑपोजिट क्या होगा? इंटेलिजेंट, या फिर वाइस भी हो सकता है जो बहुत होशियार हो, या फिर WISE, वाइस, जो भी आपने लिखा है बोथ आंसर्स विल बी करेक्ट, दोनों ही आंसर्स के सही होंगे, ओके। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द नाउन। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, क्रिसमस इज माय फेवरेट फेस्टिवल। क्रिसमस मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, इसमें आपको नाउन पहचाननी है कौन सी। आपके ऑप्शन हैं फेवरेट, क्रिसमस, या फिर माइन। अच्छा एक काम करिए, जो तीन आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें एक तो आपकी नाउन है जो कि आपको बतानी ही है, इसका आंसर होगा आपका, एक आपका एडजेक्टिव है, और एक एडजेक्टिव और एक आपकी प्रोनाउन है, ओके। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सी नाउन है। नाउन होता है आपका नाम, किसी भी चीज़ का नाम। एडजेक्टिव होता है जो उसके बारे में बताए कि वो कैसा है, ओके। एंड प्रोनाउन होती है जो कि वर्ड्स यूज़ होते हैं आपके उसकी जगह, नाउन की जगह, नाम की जगह जो वर्ड यूज़ हो गया वो आपका प्रोनाउन है, ओके। तो तीनों में बताइए कौन सी नाउन है, कौन सा आपका एडजेक्टिव और कौन सा प्रोनाउन है, ओके। ये क्रिसमस ट्री की एक पिक्चर आपको दी हुई है, चारों तरफ बर्फ, इसलिए क्योंकि आप जानते हैं क्रिसमस दिसंबर में आता है और उस टाइम सर्दी होती है, आपके विंटर सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव।
दे लिव इन अ ब्यूटिफुल हाउस, वो एक बहुत सुंदर घर में रहते हैं. इसमें एडजेक्टिव बताइए क्या है, ब्यूटिफुल, लिव या फिर हाउस. ओके नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द प्रोनाउन. प्रोनाउन बताइए. जैक इज द बॉय हुज सिस्टर इज अ फेमस टेनिस प्लेयर. जैक वो लड़का है जिसकी बहन एक फेमस टेनिस प्लेयर है. तो इसमें क्या चीज प्रोनाउन है, जैक प्रोनाउन है, प्लेयर प्रोनाउन है या फिर हुज. जैक खिलाड़ी या फिर जिसकी. ओके सो दैट्स ऑल. अब मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ. जितने भी आपने आंसर्स लिखे क्रॉस चेक कर लीजिए, फिर कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे कितने मार्क्स आए हैं आपके. एंड इफ यू थिंक यू हैव लर्न समथिंग न्यू, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी, सेकेंड बी, थर्ड डी, फोर्थ ए, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ ए, एट ए. नाइन्थ क्वेश्चन और टेंथ का मैं आंसर आपको पहले बता चुकी हूँ. इलेवेंथ सी, ट्वेल्थ का आंसर भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, थर्टीनथ बी, फोर्टीनथ ए एंड फिफ्टीनथ सी. ओके सो ये आपके सारे करेक्ट आंसर्स हैं. होपफुली मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपके करेक्ट हुए होंगे, आपको चैप्टर आता होगा पहले से ही. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.